Hi guys and welcome to Desi Lifestyle in Europe. आज मैं बहुत excited हूँ क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा नया laptop लिया है, बहुत powerful है और क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी. मैं जब video edit वगैरह करता हूँ plus और मेरे जो काम के काम हैं 3D drawings बनानी होती हैं, 2D drawings बनानी होती हैं, तो उसके लिए मुझे जो है एक powerful computer की ज़रूरत थी. तो जब मैं अभी होम ऑफिस है तो घर से काम करता हूँ तो बाज़ औक़ात मुझे जो है ज़रूरत पड़ती है उसकी ऐसे कंप्यूटर की. मेरे पास एक और जो पहले से लैपटॉप है वो जो है वो इतना कोई पावरफुल नहीं है, आम से लैपटॉप है फॉर नॉर्मल यूज़ ऑफिस की चीज़ें, यानी ऑफिस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं इंटरनेट पे और थोड़ा इस किस्म का और जो आप यानी जो रोज़मर्रा की चीज़ें. लेकिन जो मैंने अभी ये लिया ये कंप्यूटर मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा है. इसका नाम है MSI. ये जो है ये GF65 है, 15.6 इंच इसकी स्क्रीन है तो, और ये एक्सट्रीमली पावरफुल है. 5 GHz इसका प्रोसेसर है. सो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ इसको अनबॉक्स करता हूँ और फिर देखता हूँ कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है. ठीक है, ओके. तो ये इसका डब्बा है. ओके, ये इसकी पावर कॉर्ड. वाओ, लुक एट दैट. ये देखें कितना प्यारा लग रहा है. ये बेसिकली गेमिंग कंप्यूटर है और गेमिंग कंप्यूटर जो होते हैं काफ़ी पावरफुल होते हैं, तो इसलिए मैंने एक इस किस्म का लिया जो कि यानी जो काफ़ी पावरफुल हो, साथ ही स्टाइलिश भी है और हो सकता है कि फ्यूचर में मैं शायद गेमें खेलना भी शुरू कर दूं. अच्छा, इस डब्बे में और क्या क्या है देखते हैं. इस डब्बे में ये इसकी हैंडबुक है और अच्छा ये जो थी ये पावर केबल और ये साथ इसका अडेप्टर है. बस यही है, इस डब्बे में और कुछ भी नहीं है. That's it. So ये जो कंप्यूटर है ये काफ़ी लाइट है, यानी काफ़ी इसका कोई वजन आई थिंक 2.3 किलोग्राम्स है और ये देखें काफ़ी थिन है. देखें तकरीबन अगर ये मेरी मोबाइल है तो ये देखें ऑलमोस्ट मोबाइल जितना ही है. सो ये काफ़ी थिन, लाइट वेट और पावरफुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ तो अगर मैं कहीं भी हूँ तो मैं वहाँ पे आराम से यानी काम कर सकता हूँ, इसका ये फायदा है. तो ये देखें और इसका कीबोर्ड देखें कितना खूबसूरत सा है. सही गेमिंग कीबोर्ड है ना. तो इसकी स्पेसिफिकेशन ये है, ये 16 MB इसकी रैम है, 1 TB इसकी SSD हार्ड डिस्क है. इतनी मुझे चाहिए, ये ज़रूरत पड़ती है इतनी जब आप खासकर ट्रैवल करते हैं तो, और आपके पास अगर बहुत सी हाई रेजोल्यूशन की वीडियोस और फोटोज़ होती हैं तो मेमोरी स्पेस बहुत जल्दी चली जाती है और हमेशा आपके पास मेमोरी कार्ड नहीं होता, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. और फिर जो है इसके इसमें मुझे ये अच्छा लगा कि इसमें ग्राफिक कार्ड है, एनवीडिया का GeForce RTX 2060 जिसकी अपनी 6 MB रैम है. इसका जो अपना प्रोसेसर है वो इंटर कोर i7 है और वो 10th generation का है और वो 6 core है. इसकी जो टोटल CPU की स्पीड है वो है 5 GHz. तो आप देख सकते हैं कितना पावरफुल कंप्यूटर है. इसका कीबोर्ड जो है लिखने में काफ़ी कंफर्टेबल है, माउस पैड जो है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है. थोड़ा छोटा है, शायद थोड़ा बड़ा होना चाहिए था. बाकी इसका ऑन का बटन, ये इसका ऑन का बटन है, काफ़ी डिजाइनिश. इसमें 2 पंखे हैं जो इसको कूल डाउन करते हैं और ये पंखे जो हैं वो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं कि उनकी स्पीड कितनी हो, और अगर बहुत शोर कर रहे हैं तो आप कम कर सकते हैं. लेकिन ऑफकोर्स अगर आप हाई वीडियो एडिटिंग वाला काम कर रहे हैं तो वो फिर शोर करेंगे क्योंकि कंप्यूटर गर्म हो जाएगा. बाकी फर्स्ट लुक तो इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी. जो इसमें ऑपरेटिव सिस्टम है वो विंडोज 10 है, होम एडिशन. इसमें जो हैं
टू यूएसबी पोर्ट एक तरफ हैं, साथ ही इंटरनेट के कनेक्शन के लिए जगह है, और दो सी यूएसबी पोर्ट हैं, दो ए वाले और दो सी वाले। यहाँ पे आप इसको ये लॉक करने के लिए, अगर आपने कहीं बांधना हो तो इसको, और ये जो है हेडफोन के लिए। दूसरी तरफ इसका जो है वो HDMI पोर्ट है और पावर के लिए। इसकी कॉस्ट जो मुझे पड़ी है वो है 1700 euros। तो यानी इस प्राइस रेंज में मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छा कंप्यूटर है। सो अगर आप में से किसी के पास ये है तो आप प्लीज़ बताएं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, और आप लोगों के पास कौन कौन से लैपटॉप हैं, और आप उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, गेमिंग के लिए या खाली सिर्फ ब्राउज़ करने के लिए। तो मैं भी ऐसा करता हूँ कि मैं इस कंप्यूटर को और अच्छे तरीके से चेक करता हूँ और फिर हम बाद में मिलेंगे। मैं इसको थोड़ा सा और देख के और फिर आपको बताऊँगा कि मुझे कैसा लगा। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़।